Assalamu alaikum students and welcome to the video lectures of organizational behavior. Today we will discuss perception and individual decision making. इससे पहले lectures में आपने introduction to organizational behavior का topic cover किया. Organizational behavior क्या होता है, managers के लिए उसकी importance क्या होती है, कौन कौन से disciplines हैं जिन्होंने organizational behavior में contribute किया, उसके बाद एक ओ बी मॉडल कैसे डेवलप होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितनी लेवल्स पे यानी इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को डिस्कस होता है. फिर हमने देखा कुछ इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, जिस तरीके से एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, एम्प्लॉयज टर्नओवर, एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटीज़म, ये कुछ इस तरह के हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिन पे डिफरेंट इंडिविजुअल लेवल साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, जिस तरह उनकी परसेप्शन, उनके एटीट्यूड्स, उनकी पर्सनैलिटीज, उनके मूड्स एंड इमोशंस, या टीम लेवल के डिफरेंट वेरिएबल्स किस तरह अफेक्ट करते हैं. उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन के चैप्टर के बाद फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर में हमने देखा कि इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. वो डिफरेंसेस उनके बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स के भी हो सकते हैं, उनकी एबिलिटीज के भी हो सकते हैं, उनके फिजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जिस तरह जेंडर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, उनके एथनिक बैकग्राउंड एक डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनकी एजुकेशनल लेवल डिफरेंस हो सकती है. फिर हमने उसी चैप्टर में लर्निंग थ्योरीज डिस्कस की, बिकॉज लर्निंग के ज़रिए हम एक टूल है मैनेजर्स के पास कि वो लर्निंग को यूज़ करके इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं. तो उस लर्निंग में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग देखी, और उसके बाद हमने उसके अंदर री इन्फोर्समेंट थ्योरी पढ़ी कि हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ री इन्फोर्समेंट्स को यूज़ करके हम इंडिविजुअल्स की बिहेवियर्स को शेप कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइन्फोर्समेंट थ्योरी आ गई हमारी. आज का हमारा टॉपिक परसेप्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम लिंक करेंगे विद इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. सो लेट्स सी कि इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे. वी विल डिफाइन परसेप्शन एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट. परसेप्शन इन्फ्लुएंस कैसे होती है. एट्रीब्यूशन थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, और थ्री डिटरमिनेंट्स ऑफ एट्रीब्यूशन, लोग किस तरह दूसरों के बारे में एक राय कायम करते हैं. आइडेंटिफाई द शॉर्टकट्स इंडिविजुअल यूज इन मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर्स. हम जल्दी से दूसरों के बारे में एक राय कायम करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या एक शॉर्टकट्स होते हैं जिनसे हम जल्दी से एक परसेप्शन बना लेते हैं. देन एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग. दिस विल बी द सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. की डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैनेजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग में बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क है, तो उसका परसेप्शन के साथ क्या ताल्लुक है. देन वी विल मूव ऑन टू द रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग. एक बड़ा रैशनल लॉजिकल किस्म का डिसीजन कैसे लेते हैं, और उसको हम कंपेयर करेंगे विद बाउंडेड रैशनैलिटी एंड इंट्यूशन. देन वी विल लिस्ट सम कॉमन बायसेस एंड एरर्स जो हम बीइंग अ मैनेजर जो हम ऑब्जर्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस तरीके से गलत डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें क्या वजहें हैं वो हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स अफेक्ट डिसीजन मेकिंग. आपके ऊपर क्या प्रेशर आता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब आप एक गलत डिसीजन ले रहे हैं, या आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरीके से आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं. देन कंट्रास्ट द थ्री एथिकल डिसीजन क्राइटेरियाज. एक बड़े मॉरल और एथिकल किस्म के डिसीजंस के लिए क्या चीज़ जरूरी है. एंड फाइनली वी विल गो थ्रू क्रिएटिविटी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में क्रिएटिविटी का बहुत गहरा ताल्लुक है. एंड डिस्कस द थ्री कंपोनेंट मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी. सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज परसेप्शन. बिफोर आई एक्सप्लेन व्हाट इज परसेप्शन, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. आपको याद होगा 9/11 का वाकया हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया. 9/11 के वाकये के बाद एक इस किस्म की कंपेन चलाई गई, एक ऐसा प्रेपोगेंडा किया गया कि मुसलमानों के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में एक नफरत कर दी. ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में एक नफरत कायम हो गई.
और सिर्फ किसी भी इंसान को कि उसकी उसका नाम मुस्लिम, उसके नाम की वजह से, उसके लिबास की वजह से एक बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। यानी कि एक वाकई को बेस बना के लोगों ने एक परसेप्शन कायम कर ली कि जो मुस्लिम है वो एक टेररिस्ट है। और बहुत हद तक इस परसेप्शन की वजह से एयरपोर्ट पे स्क्रूटनी मुस्लिम की ज्यादा होती, और अभी तक आई थिंक ये चीज जारी है। अगर कोई लेडी हेड स्कार्फ पहन के जॉब करती, उसको प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता, स्टीरियोटाइपिंग का सामना करना पड़ता। तो क्या था ये सारा का सारा? एक परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन होता क्या है? अ प्रोसेस बाय विच, ये एक मेंटल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस। हम अपने फाइव सेंसेस के जरिए जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जो टच करते हैं, जो फील करते हैं, उसके जरिए हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम उसको क्या मीनिंग देते हैं। हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, हर कोई उसको एक खास नजरिए से, खास जाविये से ऑब्जर्व करके उसको अपने जहन में एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। दिस इज द परसेप्शन प्रोसेस। अच्छा, अब होता ये है कि जब हम किसी भी चीज को परसीव कर रहे हैं तो वो हमारी रियलिटी बन जाती है। यानी कि हमारे सामने जो भी एक रियल में चीज एग्जिस्ट कर रही है, एक्चुअली वो रियलिटी है या नहीं, उससे कतई नजर जो हम चीज को जिस तरह परसीव कर रहे हैं, हम जिससे उसके बारे में राय रखते हैं। आपने देखा हमारी दुनिया में बहुत सारे हीरोज और विलन्स हैं, बहुत सारी अच्छी और गलत बातें ऐसी हैं जो हमारी परसेप्शन पे बेस्ड करती हैं। क्या ठीक है, क्या गलत है, वो वही होता है जिस तरह हम उसको परसीव कर रहे हैं। सो द वर्ल्ड एज इट इज परसीव, इम्पोर्टेंस क्या है कि वो परसेप्शन क्या है, क्यों? क्योंकि उस परसेप्शन का ही बिहेवियर्स पे ताल्लुक है। अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी, अगर आप उसको दोबारा जहन में लाएं और उसको रिलेट करें अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों से, तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि एक्चुअली हम लोग जो बहुत कुछ सोचते हैं और अमल करते हैं या बातें करते हैं, वो एक्चुअली हमारी परसेप्शन से ही उसका ताल्लुक होता है। और अगर आप चाहें तो अपनी परसेप्शन किसी चीज़ के बारे में चेंज कर लें। एक कितना एक नेगेटिव प्रेपोगेंडा किया गया अबाउट मुस्लिम्स, और यहाँ तक बात आ गई कि कोई दाढ़ी वाला शख्स जिसने एक टर्बन ली है सर पे, उसको एक टेररिस्ट के साथ इक्वेट कर दिया गया। तो ये सब क्या है? ये परसेप्शन है। क्या हमें पता है इस बात का? क्या हम सोचते हैं कि हमें जो चीज़ मीडिया पे दिखाई जाती है उसकी वजह से हमारी एक परसेप्शंस कायम होती हैं, हम चीज़ के बारे में उस नज़रिए से सोचना शुरू हो जाते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं? इसमें तीन मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले उसमें आ जाता है परसीवर, वो शख्स, वो बंदा जो किसी चीज को परसीव कर रहा है। तो सबसे पहले आ जाता है परसीवर जो किसी भी चीज को परसीव कर रहा है, वो जाहिर है कोई शख्स होगा। उस बंदे के एटीट्यूड्स, उस बंदे की मोटिवेशंस, उसके पसंदीदगी नापसंदीदगी, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसकी एक्सपेक्टेशंस, वो क्या चाहता है, वो उसको क्या चीज़ें पसंद है, ये तमाम चीज़ें उसके परसेप्शन प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। अब जिस तरह ये होता है, आप सोचें कि समटाइम्स हमें कोई चीज़ पसंद है, जैसे कार है, वो कार का ब्रांड आपको पसंद है, ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगले अगले कुछ दिनों तक वो कार आपको बार बार नजर आएगी। आपको कोई नई मॉडल की कार नजर आती है और आप कहते हैं हाँ ये कार मुझे पसंद है, खुद ब खुद ही आपकी तवज्जो उस कार की तरफ चली जाएगी और आपको लगेगा यार ये कार तो बहुत ज्यादा सड़क पे है। इसी तरह सिचुएशन का बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या टाइम है? आप किसी भी, अब जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में आ जाता है, अच्छा अब आप इस टाइम एक अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, आपने क्या अटायर पहना, यानी क्या कपड़े पहने हुए हैं, वो बहुत कैजुअल होंगे आई एम क्वाइट श्योर, लेकिन आप उन्हीं कपड़ों में पजामाज पहन के या नाइट सूट पहन के
आप अगर क्लास में आ जाती है तो बिल्कुल वही कपड़े घर में, अगर आपको कोई देखता है तो कहेगा ये कैजुअल है, अगर वही कपड़े पहन के आप क्लास में आ जाती हैं तो कोई कहेगा यार इसको तो एटिकेट्स ही नहीं है। तो परसेप्शन में सिचुएशन, टाइम, वर्क सेटिंग, सोशल स्टेटिंग, हमारे जो किसी भी जगह पे हम जाते हैं जहाँ बुजुर्ग होते हैं वहाँ पे हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है, जहाँ पे हमारे बॉस होते हैं वहाँ हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है, लेकिन जहाँ हमारे कुलीग्स होते हैं हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं, बहुत फ्री स्टाइल में बात करते हैं। तो सिचुएशन का भी परसेप्शन पे बहुत गहरा ताल्लुक है। सिमिलरली परसेप्शन में जो टारगेट, जिस चीज को, अब वो चीज चाहे इंसान है, वो चीज चाहे कोई और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज, उसको हम किस तरह परसीव कर रहे हैं, कोई गाड़ी है, कोई ब्रांड की चीज है, कोई चीज हमने बाजार से खरीदी है, कोई आइसक्रीम है, तो हम जो उसके बारे में राय कायम कर रहे हैं वो कितनी नॉवेल है, क्या वो चीज मूव कर रही है या स्टेशनरी है, क्या साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है उसमें से, उसका साइज क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, हम उसको किस बैकग्राउंड में देख रहे हैं, उसकी वो हमारे से कितनी करीब है या कितनी दूर है, और हमारे उसकी सिमिलैरिटी, हम उसके बारे में कितना जानते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो उस टारगेट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो परसेप्शन के प्रोसेस पे अफेक्ट करती हैं। आप जब किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो उसके बारे में आपकी एक डिफरेंट परसेप्शन होती है, पॉलिटिशियन को देखते हैं उसके बारे में एक डिफरेंट परसेप्शन होती है, उसकी बैकग्राउंड बहुत मैटर करती है। इसी तरीके से आप अपने किसी फैमिली मेंबर को देखते हैं, कोई काम करते हुए हम बहुत सारे अपने फैमिली मेंबर्स की गलतियाँ या हम बहुत सारे अपने आइडियल्स जो होते हैं उनकी गलतियाँ हम बड़े आराम से माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारी परसेप्शन उनके बारे में डिफरेंट होती है। और कोई ऐसा बंदा है कि जिसको हम पहले से ही नापसंद करते हैं, अब वो जब कोई गलती हम उसे करते पकड़ते हैं तो हम एक डिफरेंट परसेप्शन बना लेते हैं। इस तरह कुछ ऐसी ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हमारे कल्चर में या किसी भी वजह से हमारे एक नापसंदीदगी हमें सिखाई गई है, हमारे परसेप्शन बनाई गई है, तो उसको जब हम कोई काम या एक्शन परफॉर्म करते देखेंगे तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा हमारे ऊपर, हमारी परसेप्शन उसके बारे में नेगेटिव हो जाएगी। लोग दूसरे लोगों के बारे में परसेप्शन कैसे कायम करते हैं, इसके लिए एक थ्योरी, एट्रीब्यूशन थ्योरी प्रेजेंट की गई। अच्छा, अब उस थ्योरी का मकसद ये है, और ये सिर्फ लोगों के बारे में, इसमें हम चीज़ों के और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये हम लोगों की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरी हमें ये बताती है कि हम किस तरीके से दूसरे लोगों के बारे में एक जजमेंट कायम करते हैं। इसके दो बेसिक हम कह सकते हैं कि हम दो बेसिक बातें जो है लोगों के बारे में सोचते हैं। एक तो ये कि हम सोचते हैं कि किसी भी बंदे का कोई बिहेवियर, उसकी वजह एक इंटरनल कॉज है। इंटरनल कॉज का क्या मतलब है कि उसने कोई बिहेवियर किया तो वो उस बंदे के कंट्रोल में था कि वो ये बिहेवियर इस तरीके से करे या ना करे। और दूसरा हम अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं, हमारी जहन में ये परसेप्शन कायम हो सकती है कि उसका बिहेवियर एक्सटर्नल कॉज की वजह से है। और एक्सटर्नल कॉज का क्या मतलब है कि उसके कंट्रोल में नहीं था, वो उसको फोर्स किया गया या सरकमस्टांसेस की वजह से उसको ऐसा करना पड़ा। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि हम, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। आप बॉस हैं और आपका एक एम्प्लॉय एक खास दिन पे लेट हो गया, आप बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और वो एम्प्लॉय उस मीटिंग में लेट आया। अब आपने उसके बारे में एक एट्रीब्यूशन यानी एक परसेप्शन कायम करनी है कि वो क्यों लेट आया। अच्छा, आप ये सोच सकते हैं कि वो इसलिए लेट आया कि वो एक केयरलेस एम्प्लॉय है, वो अपने टाइम का ख्याल नहीं रखता, उसके कंट्रोल में था कि वो सुबह टाइम पे उठ के ऑफिस आता। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि वो जिस रास्ते से आया, जिस ट्रैफिक को फेस करते हुए आया, वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक था जिसकी वजह से वो लेट हो गया। तो अब क्या वजह है कि आप ये दोनों सोचों में से कोई एक जो परसेप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी थ्योरी
तीन वजूहात हो सकती हैं, यानी तीन क्राइटेरियाज हैं जिस पे आप उसको जज करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया है डिस्टिंक्टिवनेस। क्या वो बंदा, क्या वो इंडिविजुअल इस तरह के जो लाउजी बिहेवियर्स हैं, या जिस तरीके से जो हम जिन्हें कहते हैं कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं, क्या वो डिफरेंट सिचुएशंस में भी इसी तरह परफॉर्म करता है? यानी कि आपको, जाहिर है आपके जहन में कोई बैकग्राउंड नॉलेज तो होगा किसी बंदे के बारे में, तो क्या आपने उसको कोई और टास्क दिया हुआ था, उसने उसमें भी डेडलाइन मीट नहीं की? अगर तो उसका बिहेवियर डिफरेंट है, यानी डिस्टिंक्टिवनेस हाई है, यानी कि वो इस तरह बिहेव नहीं करता दूसरी सिचुएशन में, उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, तो फिर आप यहाँ पे एक्सटर्नल कॉज को सिलेक्ट कर देंगे, इस बात के ज्यादा चांसेस हैं। यानी कि वो दूसरे काम ठीक तरीके से करता है, ये वाला बिहेवियर उसका डिफरेंट है, तो वो एक डिस्टिंक्टिव बिहेवियर हो गया, तो फिर आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये एक्सटर्नल वजह थी। लेकिन अगर आपको पता चला कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में भी इस तरह नेगेटिवली बिहेव करता है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, लाउजी बिहेवियर है उसका, तो फिर आप कहेंगे हाँ नहीं, ये वजह जो है ये इंटरनल कॉज थी, उसके कंट्रोल में है, उसकी एक आदत है कि उसने काम ठीक तरीके से नहीं करना। दूसरा है कॉन्सेंसिस। अब वो एम्प्लॉय आज लेट आया, आप सोचेंगे कि क्या वो पहले भी लेट आता रहा? अच्छा, क्या वो पहले भी लेट आता रहा? अच्छा, ये होगा कंसिस्टेंसी में। आप ये सोचेंगे कि क्या उस सिचुएशन में आज वो बंदा लेट आया, तो क्या वो लेट और जो लोग जो उसी इलाके से या उसी रास्ते से आ रहे हैं, क्या वो लोग भी लेट हुए? ये कंसेंसस, यानी आप कंपेयर करेंगे दूसरों के बिहेवियर के साथ कि दूसरे भी क्या लेट हुए। अच्छा, अगर यही वजह है कि दूसरे भी लेट हो गए, तो फिर आप सोचेंगे कि हाँ, अगर कॉन्सेंसिस हाई है तो फिर एक्सटर्नल कॉज है। अगर कॉन्सेंसिस लो है, यानी सिर्फ वही एक शख्स लेट हुआ, बाकी सब टाइम पे आए, तो फिर आप दोबारा से सोचेंगे कि वो इंटरनल कॉज की वजह से, अपनी गलती की वजह से लेट हुआ। और तीसरा पॉइंट जिसके थ्रू आप उसकी एक एट्रीब्यूशन को जज करेंगे, यानी उसके बिहेवियर को जज करेंगे, एट्रीब्यूशन कायम करेंगे, इस कंसिस्टेंसी। ये वो वाला पॉइंट है जिसमें आप ये देखेंगे कि क्या वो कंसिस्टेंटली ऐसे बिहेव कर रहे हैं फॉर सम टाइम नाउ। यानी कि अगर कोई 6 महीने के बाद एक दफा लेट हो गया, तो वो कोई कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं है, लेकिन अगर कोई हफ्ते में 2 से 3 दफा लेट हो जाता है, तो वो कंसिस्टेंट बिहेवियर। सो यू विल चेक इफ द पर्सन रिस्पॉन्ड इन द सेम वे ओवर टाइम। अगर तो वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है, तो अगेन इंटरनल कॉज की वजह से, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही, तो फिर एक्सटर्नल कॉज की वजह से ऐसा बिहेवियर हुआ है। आइए इस चीज को रिपीट करते हैं विद यूजिंग अ डायग्राम, और यहाँ पे हमें जरा जहन में भी ये बात बैठ जाएगी कि अगर इंडिविजुअल का बिहेवियर, आप हैं ऑब्जर्वर, आपने ऑब्जर्व करना है, फिर आपने उसको इंटरप्रेट करना है और एक परसेप्शन कायम करनी है। ये आपकी परसेप्शन है। आप जब एक परसेप्शन कायम कर रहे हैं, तो उस परसेप्शन के लिए आप सबसे पहले चेक करेंगे, ये इंसानों के बारे में है, ये थेरी इंसानों के बारे में है, कि क्या उसका बिहेवियर डिस्टिंक्टिव है, क्या वो ये बिहेवियर दूसरी जगहों पे भी जो उसको काम मिलता है, वो इसी तरीके से, गलत तरीके से, या जो आप तरीका नहीं चाहते उस तरह करता है, या उसी अच्छे तरीके से करता है। अगर तो डिस्टिंक्टिवनेस हाई है, यानी कि दूसरे कामों में इससे मिलता जुलता बिहेवियर नहीं मिलता, बड़ा डिस्टिंक्टिव है, तो फिर एक्सटर्नल कॉज, यानी उसके हाथ में नहीं थी जो भी गलती या जो भी अच्छा काम हुआ। अगर डिस्टिंक्टिवनेस लो है, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, वो दूसरे मौकों पे भी जो काम दिया गया, वो इसी तरीके से परफॉर्म करता है, तो फिर ये इंटरनल उसकी अपनी गलती है, या उसका अपना, और जरूरी नहीं है गलतियों के लिए हो, ये अच्छे काम के लिए भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन एग्जाम्पल जो कि हमने एक नेगेटिव कोट किया है, तो उस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। फिर कंसेंसिस में आप कंपेयर करेंगे विद अदर्स, के दूसरे लोग क्या उनके साथ उसका बिहेवियर मैच कर रहा है। यानी हमने लेट होने वाली एग्जांपल दी,
तो अगर तो कंसेंसिस हाई है यानी वाकई दूसरे लोगों के साथ मैच कर रहा है तो फिर आप कहेंगे बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल। लेकिन अगर कंसेंसिस लो है और दूसरे लोगों के साथ ये बिहेवियर मैच नहीं कर रहा तो फिर आप इंटरनल एट्रीब्यूशन कॉज जो है उसको सिलेक्ट करें। अगर बिहेवियर कंसिस्टेंट है यानी कि जो भी बिहेवियर है वो रिपीटेडली परफॉर्म हो रहा है ओवर अ टाइम पीरियड तो फिर इंटरनल कॉज एट्रीब्यूशन की, और अगर बिहेवियर नॉन कंसिस्टेंट यानी लो कंसिस्टेंसी है तो फिर एक्सटर्नल। इसके पैटर्न में आप ये देखेंगे एक्सटर्नल हाई और इंटरनल हाई यहाँ पे चेंज हो जाता है पैटर्न। लेकिन एट्रीब्यूशन में अक्सर हम गलती भी कर जाते हैं और हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक जो आइडेंटिफाई हुई ये हुई है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कम वजह ठहराते हैं और इंटरनल फैक्टर्स को ज्यादा वजह ठहराते हैं दूसरों के बिहेवियर को जज करने में। यानी हम अक्सर इस बात को नहीं जहन में लाते कि किसी से कोई प्रॉब्लम हुई है या किसी का कोई बिहेवियर गलत हो गया है या किसी से कोई किसी वजह से वो फेल हो गया तो इंटरनल वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है। हमारे अंदर ये टेंडेंसी है कि हम दूसरों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं उनके बिहेवियर की वजह से, हम सिचुएशंस को नहीं ठहराते। लेकिन जब हमारी अपनी बात आती है तो इससे उलट हो जाता है, हम अपनी सक्सेस को इंटरनल फैक्टर की वजह से और अपने फेलियर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जिम्मेदार ठहराते हैं। यानी हमारे ये इंसान की ये नेचर बयान की गई है यहाँ पे कि वो जब दूसरों की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इंटरनल फैक्टर को ज्यादा अहमियत देता है कि भाई तुम बंदे ही खराब हो, तुमसे काम ही ठीक नहीं होता, तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है। इस किस्म की हम लोगों के ऊपर ब्लेम्स डालते हैं, सिचुएशन को उस टाइम नहीं देखते। लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है तो हम कहते हैं जी हमारी जो भी सक्सेस है वो हमारी वजह से, क्योंकि हमारी एबिलिटीज ज्यादा हैं, हम बड़े जीनियस हैं, हमें बड़ा नॉलेज है। और अगर हम फेल हो जाते हैं खुद तो फिर हम एक्सटर्नल चीजों को जिम्मेदार ठहराते हैं, सिचुएशन ऐसी थी, मेरे जो है वो सपोर्ट नहीं सही मिली, रॉ मटेरियल ठीक नहीं था। इस किस्म के हम दूसरों के ऊपर ब्लेम्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ब्लेम्स डालने शुरू जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली एरर्स एंड बायसेस इन एट्रीब्यूशंस। लेकिन मैं यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे कल्चर्स में ये ट्रेंड नहीं भी है। जैसे कोरियन मैनेजर्स के ऊपर एक स्टडी की गई तो वहां पे ये पता चला कि उनके अंदर ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर नहीं एक्सिस्ट करता, वो बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर ग्रुप के कोई काम में फेल हो जाए तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो उनकी अपनी गलती की वजह से, वो एक अच्छे लीडर नहीं थे जिसकी वजह से ये मिस्टेक, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू फ्रिक्वेंटली यूज शॉर्टकट्स इन जजिंग अदर्स, दूसरों को जज करने में, दूसरों के बारे में एक राय कायम करने के लिए, एक परसेप्शन बनाने के लिए हम कौन कौन से शॉर्टकट्स यूज करते हैं। शॉर्टकट इसलिए कि हमारा दिमाग अक्सर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एवेल्यूएट नहीं कर सकता, या हमारी नॉलेज कम होती है जिसकी वजह से हम दूसरों के बारे में एक परसेप्शन बनाने के लिए हम एक शॉर्टकट अडॉप्ट कर लेते हैं कि जल्दी से एक परसेप्शन बना लें। सबसे पहले है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन में क्या होता है कि हम अपनी पसंद नापसंद, अपने इंटरेस्ट, अपनी बैकग्राउंड, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने एटीट्यूड्स को सामने रख के सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए परसेप्शन बना लेते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो कार हमें पसंद है वो हमारे नोटिस में ज्यादा आती है, या बॉस क्या है कि वो किसी एक एम्प्लॉय को की गलती पे उसको डांट देगा जबकि वही गलती कोई और करेगा तो उसको वो जाने देगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो एम्प्लॉय उसकी नजरों में आया हो। तो ये है सिलेक्टिव परसेप्शन। जिस तरीके से इंटरव्यू किया गया एम्प्लॉय से एक ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या वजह है उनके ऑर्गेनाइजेशन के लॉसेस की या प्रॉफिट्स कम होने की, तो सेल्स वालों ने कहा कि सेल्स है उसकी प्रॉब्लम, फाइनेंस वालों ने कहा कि फाइनेंस उसका इश्यू है, एचआर वालों के लिए सिर्फ एचआर उसका एक प्रॉब्लम था। तो ये होती है सिलेक्टिव परसेप्शन। इसीलिए कहते हैं कि एज यू ग्रो अप इन हायरार्की
जैसे जैसे आप अपने मैनेजरी लेवल अप होती जाए, यू नीड टू हैव अ वाइडर व्यू, आपको चीजों के बारे में एक वाइड एंगल से देखना चाहिए, उनके बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड, उन सबको आपको अपने सामने नजर में लाना चाहिए, और यही चीज हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग के पोर्शन में। फिर हेलो इफेक्ट में क्या होता है कि हम किसी की एक करेक्टरिस्टिक, किसी की सिंगल करेक्टरिस्टिक को देखते हुए हम एक जनरल इम्प्रेशन उसके बारे में बना लेते हैं। यानी कि हम एम्प्लॉयज को, हम कोई एक करेक्टरिस्टिक देखें, एक एम्प्लॉय जो टाइम पे आता है, अच्छा आई एम अ बॉस, मैं खुद भी टाइम पे आऊँ फॉर एग्जाम्पल, और वो एम्प्लॉय टाइम पे आता है। अब होता ये कि वो एम्प्लॉय बेशक काम अच्छा नहीं करता, लेकिन सिर्फ उसकी एक करेक्टरिस्टिक के वो टाइम पे आता है, मैंने उसके बारे में एक ओवरऑल पॉजिटिव इम्प्रेशन बना लिया। अब उसके बाकी सारे गुनाह माफ, सिर्फ टाइम पे आने की वजह से मैं कहता हूँ कि जी दिस इज दी बेस्ट एम्प्लॉय। तो ये एक आपकी जो एक शॉर्टकट होती है दूसरों के परसेप्शन बनाने में, दिस इज द हेलो इफेक्ट। कोई मजाक अच्छा करता है तो लोग कहते हैं कि यार ये बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, बहुत फ्रेंडली बंदा है। तो इस तरीके से हम किसी की सिंगल करेक्टरिस्टिक को सामने रख के उसके बारे में एक जनरल ओवरऑल इम्प्रेशन, कोई बंदा जो है वो किसी दिन गुस्से में आपसे मिला है तो आपने क्या किया कि उसके उस गुस्से की वजह से आपने एक जनरल इम्प्रेशन बना लिया उसके बारे में कि ये बंदा ही वैसे ही ख़राब है, ये ठीक मिलता नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। या कोई शाये बंदा होता है, अक्सर जो लोग शाये होते हैं वो इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं, तो आप उनके बारे में एक जनरल इम्प्रेशन बना लेंगे कि ये सोशल नहीं है, या ये फ्रेंडली नहीं है, या ये दूसरों की हेल्प नहीं करते, तो ये हेलो इफेक्ट है। देन वी हैव अ कंट्रास्ट इफेक्ट। कंट्रास्ट इफेक्ट में उसके बारे में एक बड़ी एक खूबसूरत एग्जाम्पल है कि यू हैव टू लाइन्स, लेट मी ड्रॉ बेटर लाइन। Now, which of these lines is longer? Of course, this is a longer line. But why I feel that this is a longer line? Because ये वाली line छोटी है। अगर मैं यहाँ पे एक और longer line draw कर लूँ, now in contrast, this is a smaller line. So हम लोगों की characteristics evaluate करते हैं in comparison with other people. और खास तौर पे वो people जिन्हें हम recently मिले होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको किसी एक करेक्टरिस्टिक पे, उनकी स्मार्टनेस पे, उनकी एबिलिटीज पे, यानी कि अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में जिसमें हाई एबिलिटी या हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लोग मौजूद हैं, उसके अंदर एक मॉडरेट एबिलिटी के बंदे को ले जाएं, तो आप तो कहेंगे यार इसकी तो बहुत पुअर एबिलिटीज हैं। और अगर उसी मॉडरेट एबिलिटी के बंदे को आप किसी ऐसे ग्रुप में देखें जो ऑलरेडी बहुत लो लेवल पे है, तो आप कहेंगे यार इसकी तो बहुत हाई एबिलिटीज हैं इसके पास। तो कंट्रास्ट भी एक शॉर्टकट है परसेप्शंस कायम करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, इज द स्टीरियोटाइप। किसी भी बंदे के बारे में एक परसेप्शन या एक राय कायम करना ऑन बेसिस ऑफ वन परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच दैट पर्सन बिलोंग। ये शी इज अ वीमेन, शी इज अ फीमेल, सो शी कैन नॉट बी अ पायलट, शी कैन नॉट बी इन पुलिस, शी कैन नॉट डू सम फिजिकल जॉब वेरी यू नो विच रिक्वायर्स रिग्रेस ट्रेनिंग। तो ये इस किस्म की एक स्टीरियोटाइपिंग ब्लैक्स के बारे में, जिस तरह यूएसए में एक स्टीरियोटाइप है कि जी ज़्यादातर जो ब्लैक कलर ऑफ मैन होते हैं दे आर क्रिमिनल्स, और आपने देखा होगा कि शूट आउट्स के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हुए हमारी अपनी कंट्री में। अगर आप थोड़ा सा डिग डीप करें तो बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइपिंग एग्जिस्ट करती है अबाउट सर्टेन एथनिक ग्रुप्स, अबाउट रिलीजियंस, पीपल ऑफ अदर सेक्स इवन समटाइम्स। तो हम किसी को जज करें ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्सन वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। और उसके एक इंटेंस फॉर्म है प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग में हम ये करते हैं कि किसी भी एक बंदे को हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं उसको हम सिंगल आउट कर दें, उसको हम सबसे अलग थलग कंसिडर करना शुरू कर दें, उसकी बहुत ज़्यादा इंटेंस स्क्रूटनी शुरू कर दें, क्योंकि वो किसी एक खास रेस या किसी एक खास करेक्टरिस्टिक का हामिल
ये किसी ऐसे ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिस ग्रुप के बारे में एक ओवरऑल नेगेटिव इम्प्रेशन पाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से ये जो डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं या ये इस्तेमाल होते हैं और मैनेजर्स को इनके बारे में थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। एक तो इंटरव्यू के दौरान, जब भी आप भी इंटरव्यू में अपीयर होंगे या आप खुद भी कभी एक टाइम आएगा कि एक इंटरव्यूअर बनेंगे और दूसरों को आप जज करेंगे, आपको फील होगा कि आपसे सही तरीके से इंटरव्यू नहीं लिया गया और फैसला कर दिया गया जो आपके हक में या आपके खिलाफ। हैरत अंगेज तौर पे शुरू के चंद सेकंड में ही अक्सर लोग एक डिसीजन कायम कर लेते हैं। इसलिए तो सिखाया जाता है कि इंटरव्यू देने के लिए इस तरह वॉक इन करें रूम में, इस तरह सबको ग्रीट करें, इस तरह आप बैठें, इस तरह मतलब ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो हमेशा बहुत पार्ट प्ले करता है। तो फर्स्ट ग्लैंस में, हियर इट इज मेंशन इन 1/10 ऑफ अ सेकंड, अ फर्स्ट ग्लैंस में ही एक इंप्रेशन, एक परसेप्चुअल बायस की वजह से आप कायम कर लेते हैं। और ये परसेप्चुअल बायस मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर्स की रिमेनिंग इंटरव्यू में रहता है उनके जहन में। अगर उन्होंने फर्स्ट इंप्रेशन में एक नेगेटिव परसेप्शन बना ली तो वो उनके पूरे इंटरव्यू में रहे। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, ये बात भी आप लोग जहन में रखें स्टूडेंट्स, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी एक परसेप्शन जब कायम कर लेते हैं, दे फॉर्म अ परसेप्शन ऑफ रियलिटी, तो बावजूद इसके कि वो जानते भी हों कि उनकी परसेप्शन फॉल्टी है, वो कोशिश करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से उसको रैशनलाइज कर, उसको किसी तरीके से सही साबित करने की कोशिश कर। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि हम एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जिसे पिग्मेलियन इफेक्ट भी कहते हैं, उसका भी शिकार हो जाते हैं। ये क्या है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी या पिग्मेलियन इफेक्ट, कि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस पहले से ही कायम करके रखते हैं और फिर एम्प्लॉयज की लोअर और हायर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, अगर आपने HRM में परफॉर्मेंस वैल्यूएशन का चैप्टर अच्छे तरीके से देखा हो तो आपको पता है कि मैनेजर्स परफॉर्मेंस वैल्यूएट करते हैं, तो आप अक्सर एम्प्लॉयज के बारे में जो आपने पहले से एक परसेप्शंस कायम की होती हैं उनको यूज़ करके आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर लें। और दिस इज ट्रू इन अ सेंस के समटाइम्स, ये मैं अगर आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मैं सेमेस्टर वन से अगर उनको पढ़ा रहा हूँ और वो दे आर गुड परफॉर्मर्स, तो ऑटोमेटिकली मेरे जेन में एक फुलफिलिंग, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आ जाएगी कि दे विल बी अ बेटर परफॉर्मर इन रेस्ट ऑफ द कोर्सेज। अगर मैं उनको सेमेस्टर टू या थ्री या फोर में भी पढ़ाता हूँ, वो स्टूडेंट्स मेरे सामने आते हैं, तो मेरे जहन में ये बात होगी कि ये आर गुड परफॉर्मर। एंड देयर इज आल्सो अ चांस समटाइम्स कि हम उनकी तरफ ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जो एम्प्लॉयज अपना एक इम्प्रेशन कायम कर लेते हैं अपने बॉस के सामने, एक अच्छा इम्प्रेशन उनका बन जाता है, बॉस उनसे स्टार्ट में खुश हो जाते हैं, तो वो चीज कंटिन्यू करती है अंटिल और अनलेस कोई इस तरह इतनी कोई नेगेटिव या इतनी कोई बड़ा ब्लंडर ना हो कि जो सारे इम्प्रेशन को ब्रेक डाउन कर। सो इस परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन का जो इफेक्ट है वो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन पे भी होता है, बिकॉज यू नो अप्रेजल्स आर ऑफन द सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ अप्रेजल्स अदर एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस, और फिर इसका क्रिटिकल इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयज पे। तो ये परसेप्शंस की वजह से हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन जो है वो सब्जेक्टिव चूँकि होती है, क्योंकि उसमें एक जजमेंट कायम करनी होती है, तो वो भी अफेक्ट हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजन मेकिंग क्यों करनी पड़ती है मैनेजर को? एक मैनेजर का बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है कि आइदर टू सिलेक्ट दिस सॉल्यूशन और आइदर टू सिलेक्ट सम अदर सॉल्यूशन और कोर्स ऑफ एक्शन इज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजर जिस मर्जी लेवल पे हो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और प्रॉब्लम्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं
is a discrepancy, perceived discrepancy between the current state of affair and the desired state. भाई आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं sales 4 million हो, लेकिन जब फिगर आती है आपके सामने सेल्स की तो वो 3 million है. सो ये करंट स्टेट ऑफ अफेयर है 3 million, राइट? दिस इज द करंट स्टेट ऑफ अफेयर. और डिजायर्ड स्टेट क्या है? 4 million. दिस इज अ प्रॉब्लम. और इन रिजल्ट ऑफ अ प्रॉब्लम और इन रिएक्शन टू अ प्रॉब्लम यू नीड टू टेक सम डिसीजंस. व्हाट आर डिसीजंस? These are choices made from among alternatives developed from data. भाई क्यों है 3 million? आप उसका पता लगाएंगे. 4 million तक हम कैसे जा सकते हैं? क्या हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी है? क्या हमें एडवर्टीजमेंट बेहतर करनी है या मार्केटिंग पे फोकस करना है? क्या हमने हमारे जो स्टाफ है उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है? जो जो भी उसकी वजह, आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब अपना रिसर्च मेथड्स का कोर्स पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप रिसर्च अप्रोच को यूज़ करके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट बेस्ट चॉइसेस सेलेक्ट डेवलप कर सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखें कि जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम से लेके डिसीजन मेकिंग का तक जो प्रोसेस है उसमें परसेप्शन का बहुत गहरा था. वही हमने जो पीछे बातें डिस्कस की हैं सारी, कि सेलेक्टिव परसेप्शन भी हो सकती है, हेलो इफेक्ट भी हो सकता है, उसके अंदर आपका स्टीरियोटाइपिंग भी हो सकती है. तो ये तमाम चीज़ें आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इन्फ्लुएंस होती है. सो एम्प्लॉयज और मैनेजर्स नीड टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा डाटा ज़्यादा ज़रूरी है, किन किन सोर्सेज से वो डाटा लेना है और उसके अंदर अपनी परसेप्शंस को किस तरह मिनिमाइज करना है उस डाटे के वैल्यूएशन में. इसी वजह से जब हम कहते हैं अपने रिसर्च मेथड्स में कि इट इज़ गोइंग टू बी अ साइंटिफिक रिसर्च मेथड, ये साइंटिफिक अप्रोच है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर जो रिसर्चर की अपनी परसेप्शन है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं. और यही चीज़ हम अपने रैशनल डिसीजन मेकिंग में भी यूज करते हैं. तो क्या होता है रैशनल डिसीजन मेकिंग? व्हेन वी से वी आर टेकिंग अ रैशनल, यानी बड़ा लॉजिकल सा डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब ये होता है कि वी आर यूजिंग अ परफेक्ट वर्ल्ड मॉडल. व्हाट इज अ परफेक्ट वर्ल्ड मॉडल? वी अज्यूम दैट द इंफॉर्मेशन वी आर यूजिंग इज कंप्लीट, वी हैव एनालाइज्ड ऑल द नोन ऑप्शंस and we will get the maximum result. ये होता है हमारा एक assumption कि जी हम rational decision making में अपने जब problems को define करेंगे इस तरीके से कि उसके अंदर हमारी biasness ना आए, हम उसके लिए जितने भी decision criterias हैं उनको एक systematic तरीके से उनको इम्पोर्टेंस देंगे कि कौन से जो डिसीजन क्राइटेरिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई पैरामीटर सेट करेंगे. अगर आप याद करें कि आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो बुक है उसके अंदर एक लैपटॉप परचेज करने का एक बड़ा एलैबोरेटिव किस्म की एग्जांपल थी कि जी कंपनी में लैपटॉप परचेज करने हैं, वो लैपटॉप परचेज करने के लिए डिफरेंट उनको नंबर्स दिए गए कि जी लैपटॉप की रैम, लैपटॉप का वेट, लैपटॉप की बैटरी टाइमिंग. आपके ऑर्गेनाइजेशन अगर लैपटॉप परफॉर्म परचेज करने हैं तो डिफरेंट ब्रांड्स हैं मार्केट में, उन तमाम ब्रांड्स के कौन कौन से स्पेक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप उनके बेस पे उनके एक डिसीजन वेट्स उनको वेट एलोकेट करेंगे. फिर आप उन ऑल्टरनेटिव्स को एक पूरा नंबर दे के डेवलप करेंगे जी कौन कौन सी ऑप्शंस आ जाती हैं, फिर आप उनको एवेल्यूएट करेंगे कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हैं और फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे. लेकिन रियलिटी में होता ये है, क्या थाउजेंड्स ऑफ लैपटॉप्स के ब्रांड्स आप एवेल्यूएट करेंगे? मे बी अगर आप बहुत बड़ी फर्म है तो पॉसिबल हो, लेकिन आप अगर एक जर्नल एक स्मॉल फर्म है तो आप ये रैशनल डिसीजन मेकिंग तो हर तरीके से नहीं कर सकते. और मे बी आई थिंक अगर एक बहुत बड़ी फर्म भी है तो वो इस दुनिया में जितने भी लैपटॉप्स के ब्रांड्स हैं वो सारे नहीं सेलेक्ट कर देंगे.
जो रियलिटी में चलता है बाउंडेड रैशनैलिटी, विच इज द रियल वर्ल्ड मॉडल. रैशनल डिसीजन मेकिंग वॉज अ परफेक्ट वर्ल्ड मॉडल, बाउंडेड रैशनैलिटी इज अ रियल. रियलिटी में क्या हो रहा है कि यू सीक सेटिस्फैक्ट्री एंड सफिशियंट सॉल्यूशंस फ्रॉम द लिमिटेड डेटा एंड ऑल्टरनेटिव. आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं आप उनको यूज करते हुए जो आपके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री और सफिशियंट सॉल्यूशन है उसको यूज करते हैं. लेकिन उससे भी ज्यादा आपको बताऊं कि जो ज्यादा चीज इन है, जो ज्यादा मैनेजर्स यूज करते हैं, दैट इज यूज ऑफ देयर इंट्यूशन. यानी कि वो अपनी गट फीलिंग को यूज करते हुए वो एक डिसीजन ले लेते हैं जो आपके माइंड में एक अनकॉन्शियसली एक प्रोसेस चल रहा होता है. और वो प्रोसेस आता कहाँ से? जाहिर है विद एक्सपीरियंस आप चीज़ों के बारे में सीखते हैं, या आपको चीज़ों के बारे में पसंदीदगी और नापसंदीदगी होती है. तो इंट्यूशन इज अ नॉन कॉन्शियस प्रोसेस क्रिएटेड फ्रॉम डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस दैट रिजल्ट इन क्विक डिसीजंस. भाई जब इंट्यूटिव डिसीजन करना है, ये चीज़ स्टॉक मार्केट में परचेज करना है, नहीं परचेज करना, सेल कर देने हैं स्टॉक्स, इस कंपनी के खरीदने हैं, उस कंपनी के खरीदने हैं, तो समटाइम्स ऐसा टाइम नहीं होता आपके पास कि आप पूरा प्रोसेस डिसीजन मेकिंग का जो है उसे गो थ्रू करें. तो आप क्या करते हैं कि आप इंट्यूशन को यूज करके आप उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं. तो ये आपके पास सिक्स स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जो रैशनल डिसीजन मेकिंग में यूज होते हैं. इन रियलिटी ऑर्गेनाइजेशन में परफेक्ट वर्ल्ड मॉडल नहीं चल सकता क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप हमेशा नहीं गैदर कर सकते. तो बाउंडेड रैशनैलिटी ज़्यादा उसमें पार्ट प्ले करती है और उससे भी ज़्यादा इंट्यूशन. इंट्यूशन और अगर देखा जाए इंट्यूशन बाउंडेड रैशनैलिटी में भी आप एनालिसिस कर सकते हैं. हो सकता है ये जो सिक्स स्टेप प्रोसेस है ये बाउंडेड रैशनैलिटी में भी आप यूज़ करें, बल्कि करना चाहिए. लेकिन जाहिर है कि आप रैशनल डिसीजन मेकिंग की तरह आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी उसके अंदर, ये कंप्लीट ऑल्टरनेटिव्स नहीं होंगे. जिस तरह हमने लैपटॉप की एग्जांपल यूज़ किया, लेकिन आप कुछ हद तक आप यूज़ करेंगे. लेकिन आप इंट्यूशन के ज़रिए अपनी इस डिसीजन को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है, और ज़ाहिर है एक्सपीरियंस की वजह से लोग ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए तरक्की करते हैं कि उनकी लर्निंग जो उनके माइंड में स्टोर हुई हुई हैं चीज़ें, वो उसको यूज़ करके क्विक डिसीजंस लेते हैं. और आपको पता है क्विक डिसीजंस पे ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो बेस करती हैं. समटाइम्स उनकी सक्सेस एंड फेलियर इस चीज़ पे बेस कर रही होती है कि उन्होंने कितनी जल्दी डिसीजन लिया है. इंट्यूशन में आमतौर पर आप होलिस्टिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटीज में नहीं पढ़ते. आप एक ओवरऑल सिनेरियो को देख के आप इंट्यूशन को यूज़ करते हैं. समटाइम्स कॉम्पिटिशन हो रहा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और आपने एक क्विक स्ट्रेटजी बनानी है, आपने डिसीजन लेना है, आपने मार्केट में चीज़ रिलीज़ करनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट का कोई डिज़ाइन है उसको अप्रूव करना है, तो उसके लिए इंट्यूशन चेंज हो सकती है. लेकिन इंट्यूशन में जाहिर है आपकी इस इमोशंस उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक है. तो जो लोग इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग लेते हैं उनके लिए क्या चीज़ की इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है? एक तो ये कि जब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो, दूसरा ये कि पहले से आपके पास कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसको सामने रख के आप डिसीजन ले सकें. जब आपके जो वेरिएबल्स जो डिसीजन मेकिंग में आपने यूज़ करने हैं, जैसे लैपटॉप के एग्जांपल में तो बड़े फिक्स वेरिएबल्स हैं, लेकिन जब आपके वेरिएबल्स जो हैं वो साइंटिफिकली प्रिडिक्टेबल ना हो. जैसे अक्सर हमने देखा कि ज़ाहिर है बारिश की प्रिडिक्शन तो आजकल काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन कई ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं नेचुरल कि जिसमें आपकी प्रिडिक्शन नहीं होती. उनके लिए अगर आपने डिसीजन लेना है जब फैक्ट्स थोड़े हों, ज़्यादा स्पेकुलेशंस पे बात चल रही हो, जब क्लियर ना हो बातें कि जी फैक्ट्स जो हैं वो वाकई फैक्ट्स हैं या वो सिर्फ मेथ्स हैं, जब
आपका जो डाटा अवेलेबल है, जैसे मैंने डिजास्टर्स की बात की, जैसे कोरोना की एग्जांपल इस टाइम ले रहे हैं, इस टाइम बहुत सारा जो कोविड-19 जो पेंडेमिक है उससे रिलेटेड जो हमें जिस चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है, अब ये ऐसे डिसीजन मेकिंग है कि जिसके अंदर यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल और फेसबुक पे भी एक पोस्ट बहुत ज़्यादा हुई कि लॉकडाउन करो तब भी लोगों को तकलीफ और ना करो तब भी लोगों को तकलीफ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई और जाहिर है घर का चूल्हा घर का पहिया कैसा चलेगा। तो ये ऐसे कुछ मौके होते हैं और इसी वजह से इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग तब भी करनी पड़ती है कि जब ऐसे ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने हो कि जिनमें या तो सारे ही ठीक हैं या सारे ही ठीक नहीं है, तो तब आप उनमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तब आपकी इंट्यूशन उसमें पार्ट प्ले करती है। आइए देखते हैं कि हमारे कौन से कॉमन बायसेस या एरर्स होते हैं जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और टू सम एक्सटेंट इसका परसेप्शन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। सबसे पहले होता है इस ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जब हम बहुत ज़्यादा हमारे जहन में ये बिलीव होता है कि हम बेहतर डिसीजन कर सकते हैं, स्पेशली कोई ऐसा डिसीजन कि जो हमारी एक्सपर्टीज से भी बाहर है, लेकिन हम एक जहन में ये रख के बैठ जाते हैं कि नो प्रॉब्लम वी कैन मेक दिस जजमेंट एंड प्रिवेंट अ कैटास्ट्रोफी, हालांकि हम इतने कैपेबल नहीं होते उस डिसीजन को लेने में। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है। एंकरिंग बायस ये होता है कि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन को नहीं फोकस करते, जो शुरू में ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपके दिमाग में बैठ जाती है और आप उसी को अपने जहन में इतना रख के बैठ जाते हैं कि उसकी बेस पर आगे बाकी सारे डिसीजंस करना शुरू हो जाएं। अक्सर ओवर एंकरिंग बायस में आपने ये भी देखा होगा कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाती है पहली नज़र में ही, जिसे हम कहते हैं जी एक चीज़ पसंद आ गई और आपने बस जहन में बिठा लिया कि मैंने वही लेनी है। अच्छा, आपको उसकी प्राइस कोट हुई फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़, हालांकि एक्चुअली वो 500 की थी, लेकिन ये 1000 रुपीज़ आपके जहन में बैठ गया। अब आपने कहा कि अच्छा इसे 100 रुपीज़ भी कम हो जाए तो ठीक है, मेरे लिए वो प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल है। अब आपने सब्सिक्वेंट जो इंफॉर्मेशन या सब्सिक्वेंट फैक्टर्स जो हैं उनको नहीं एनालाइज किया, तो क्या हुआ कि आप एंकर हो गए, आप फिक्स हो गए उस एक पर्टिकुलर फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे। फिर होता है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस जो है ये सिलेक्टिव परसेप्शन का एक केस है कि जिस सिलेक्टिव परसेप्शन हम करते हैं तो हम कंफर्मेशन बायस करते हैं। हम जो चीज़ें हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में यूज़ की होती हैं और हमारे डिसीजन के साथ रिलेट कर रही होती है, हम सिर्फ उन्हीं को यूज़ करते हैं, यानी कि हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को देखते हैं जो हमारे डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स ये कहना चाहिए कि डिसीजन हम पहले कर लेते हैं और फिर हम उसके रिलेटेड फैक्ट्स को ही सिर्फ ढूंढते हैं, तो इसको कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। ये भी डिसीजन मेकिंग में एक बहुत कॉमन एरर है और आमतौर पर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल में इसका यूज़ होता है। फिर होता है अवेलेबिलिटी बायस, यानी कि जो इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। अब आपको पता है आजकल यूट्यूब और गूगल की वजह से आप जस्ट गूगल करें तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, अब वो इंफॉर्मेशन जितनी रीसेंट है और जितनी क्लियर है उतने ही आप उसको अपने जेब में बिठा लेंगे, ये जाने बगैर कि क्या ये साइंटिफिकली करेक्ट है, ये जाने बगैर कि वाकई ये इंफॉर्मेशन ठीक भी है, लेकिन चूँकि वो ईजिली अवेलेबल है तो अब जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जो फ्लाई करना है उसे डरते हैं कि जी फ्लाई करने से मौत वाकई हो सकती है, जहाज गिर सकता है, ये जाने बगैर कि कार्स के एक्सीडेंट से ज़्यादा लोग मरते हैं एज कम्पेयर टू फ्लाइंग। उसके बाद कॉमन डिसीजन मेकिंग एरर्स में एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। इंसान की नेचर ये है कि जब वो एक दफ़ा किसी एक डिसीजन पे उसका जहन अड़ जाए तो वो डिसीजन तो कर बैठता है, लेकिन वो फिर उस डिसीजन को ठीक रखने के लिए या उस डिसीजन के साथ अपनी कमिटमेंट शो करने के लिए वो और उस तरह गलत डिसीजन करता है, यानी उसको पता भी चल जाए कि उसका ये
डिसीजन रॉन्ग है, उसके पास ऐसे एविडेंस भी आ जाए, आप अपने पुराने डिसीजन के साथ कमिट रहेंगे और फिर आप फर्दर गलत डिसीजन करते जाएंगे कि उस डिसीजन को मैं किसी तरीके से सही साबित कर लूं। फिर एक डिसीजन है दैट इज रैंडमनेस एरर। आप बिल्कुल इस तरह का, अगर आपका एक टेंडेंसी है कि जब आप रैंडम डिसीजन लेते हैं उसके लिए हो सकता है आप किसी सुपरस्टिशन, यानी जी काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, कौवा बैठा बोल रहा है, ये तमाम चीजें आपके जहन में है, आप उनसे एक मीनिंग बना लें और फिर आप एक डिसीजन ले लें। आज तो काली बिल्ली ने रास्ता काटा, आज ही मैं ये डिसीजन ले रहे नहीं, हालांकि आपकी कंपनी को इतनी जरूरत है उस डिसीजन लेने की, आप कोई फैसला करें, लेकिन आपने कहा जी बिकॉज देर वॉज अ रैंडम इवेंट, उसकी वजह से जी ये डिसीजन, या फिर आपने कहा जी जैसे कांच के टूटने को हम कहते हैं जी इट्स, या फिर आपने वो जिस तरह एक तरीका होता है डाइस फेंका, नंबर वन आएगा तो ये डिसीजन, नंबर टू आएगा तो ये डिसीजन ले लेंगे, तो दैट इज अ रैंडमनेस है। फिर आता है जी विनर्स कर्स। जो लोग ऑक्शंस में हिस्सा लेते हैं उनके साथ ये अक्सर ऐसे होता है कि वो कभी कभी दूसरों के साथ कंपटीशन करने में या चीज को वाकई हासिल करने में वो बहुत ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू, और यही वजह होती है कि चीज़ों की ऑक्शन की जाती है ताकि कंपटीशन बना दिया जाए, और हो सकता है उस चीज़ की उतनी प्राइस ना हो लेकिन हाईएस्ट बिडर जो है वो ओवर एस्टिमेशन के चक्कर में उसकी ज़्यादा प्राइस पे कराता है। इस तरीके से कई दफ़ा जब हमें कोई नेगोशिएशंस करनी पड़ती हैं तो हम ये विनर्स कर्स का शिकार भी हो सकते हैं, और जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना ही विनर्स कर्स की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाइंडसाइट बायस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि जी मुझे तो पहले ही पता था, अब किसी भी डिसीजन का आउटकम आपको पता चल जाए तो आप कहते हैं हाँ जी मैंने तो यही सोचा हुआ था और मुझे पहले से ही ये पता था, दिस इज कार्ड एक्चुअली मैं उसका, आपको पता है कि क्या डिसीजन आ गया या क्या उसका आउटकम आया, लेकिन हमने फॉल्सली ये सोच लिया कि हमने इसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लिया, तो ये आता है हाइंडसाइट बायस। डिसीजन मेकिंग हर बंदा डिफरेंट तरीके से करता है, हर बंदे के डिसीजन डिफरेंट होता है, हर बंदे के डिसीजन का इफेक्ट डिफरेंट होता है। क्या वजह होती है, अभी चूंकि हमने पर्सनैलिटी को सही तरीके से पढ़ा नहीं, हमारे अगले चैप्टर्स में आएगा, लेकिन डिफरेंट पर्सनैलिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज जो है वो आपके डिफरेंट डिसीजन मेकिंग एरर्स और बायसेस कराती हैं, डिफरेंट तरह से डिसीजन मेकिंग करती हैं। जिस तरह जो बड़े कंसेंशियस यानी जो डिसिप्लिन लोग होते हैं वो हो सकता है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट जो है उसमें ज़्यादा पढ़ते हैं, वो अपनी क्योंकि वो डिसिप्लिन है, जिस तरह एक आर्मी स्टाइल होता है, जिस तरह एक बॉसी स्टाइल होता है, तो वो बहुत हद तक अपनी पुराने डिसीजन जो है उनके साथ कमिट रहने की कोशिश करती हैं। जिन लोगों में अचीवमेंट ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं उनमें हो सकता है कमिटमेंट ज़्यादा हो, लेकिन जो ड्यूटीफुल पीपल होते हैं जो चीज़ के अच्छे बुरे को ज़्यादा अहमियत देते हैं हो सकता है उनके अंदर ये कमिटमेंट कम हो। फिर जिन लोगों की सेल्फ इस्टीम ज़्यादा होती है ये भी हो सकता है कि वो अपनी सेल्फ इस्टीम को ऊँचा रखने के लिए, अपनी जो खुददारी एतमाद है उसको ऊँचा रखने के लिए वो सेल्फ सर्विंग बायस में ज़्यादा पड़, वो कहेंगे जी जो मेरी फेलियर है वो एक्सटर्नल कॉज की वजह से, फेलियर इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉज एंड माय सक्सेस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉज, सक्सेस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉज, राइट। फिर जेंडर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, फीमेल हैव अ टेंडेंसी कि वो डिसीजन लेने से पहले ज्यादा एनालाइज करती हैं, लेकिन वीमेन आर आल्सो लाइकली टू डेवलप डिप्रेशन अपॉन द फेलियर ऑफ देयर डिसीजंस, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो कुछ कंस्ट्रेंट्स आते हैं, कुछ हमें रुकावटें आती हैं, वो क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे डिसीजंस में जो एक रुकावट पैदा कर सकती हैं,
एक तो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, जो मैनेजर्स के एवेल्यूएशन क्राइटेरियाज हैं वो बहुत डिटरमिन करते हैं कि जी डिसीजंस किस तरीके से लिया जाए। जैसे एक एक डिवीजन मैनेजर है, अब उसके अंडर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें हो सकता है कि उस तक ना इंफॉर्मेशन सही ना पहुंच रही हो, जो भी प्लांट में इश्यूज हैं वो से लोअर लेवल के एम्प्लॉयज उस तक सही तरीके से ना पहुंचा रही हो, ताकि उनकी परफॉर्मेंस वेरिएशन खराब ना हो। लेकिन हो क्या रहा है कि उसकी वजह से जो डिसीजन लिए जा सकते थे टाइमली वो नहीं लिए गए। यही चीज नोकिया में हुई कि लोअर लेवल मैनेजर्स ने ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई, अपर लेवल मैनेजर समझ रहे थे कि सब ठीक है। फिर रिवॉर्ड सिस्टम, अब जिन मैनेजर्स को लगेगा कि हम ऐसे डिसीजंस लें कि जिससे उनको ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिले, वो फिर वो डिसीजंस पे इफेक्ट करेगा उनके। फिर रेगुलेशंस का बहुत ताल्लुक है, आप बाउंड हो जाते हैं कि आपके पास चॉइसेस ही बहुत लिमिटेड होती हैं। आप के पास ए बी सी डी, अगर डी बेस्ट है लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ए और बी चॉइस को अलाउ करती है, तो फिर रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से भी आप कंस्ट्रेंट हो जाती हैं। फिर टाइम कंस्ट्रेंट भी हो सकता है कि भाई आपके पास इतना टाइम ही नहीं, आपने जल्दी से डिसीजन लेना है। और हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट बहुत तंग करते हैं समटाइम्स, यदि पास्ट में ये डिसीजन लिया गया हो तो लेट्स स्टिक टू दैट, हालांकि अब की सिचुएशन उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर। तो ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट्स का भी डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट। एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन क्राइटेरियाज में हमारे पास यूटिलिटेरियनिज्म हो सकता है। यूटिलिटेरियनिज्म एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसमें हम ये कहते हैं कि डिसीजन लेते हुए सिर्फ आउटकम को देखो। ये वो पर्सपेक्टिव है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना। तो ये बिजनेस पीपल के अंदर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है कि वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी यानी आउटकम को देखो, प्रोसेस को ना देखो। गलत तरीका, सही तरीका, जिस तरह भी है आपने आउटकम को बेस्ट लेके देना है। जबकि राइट्स, लोगों के राइट्स, लोगों के लिबर्टीज, लोगों के प्रिविलेजेस, दूसरों को रिस्पेक्ट, बेसिक ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट, ये तमाम चीजें एथिकल डिसीजन क्राइटेरिया में इंपॉर्टेंट है। और उससे बढ़ के जस्टिस, एक ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे इंसाफ हो रहा है, फेयरनेस आ रही है नजर, मोरेलिटी नजर आ रही है, वो भी डिसीजन मेकिंग का एक क्राइटेरिया है। तो आपको अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जिसमें हो सकता है आपका मैनेजर जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म को फोकस करे जबकि आप जस्टिस की तरफ जाएं। और ये हम अक्सर एटीट्यूड के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस की सिचुएशन में आ जाते हैं। एथिकल डिसीजन मेकिंग में अगर यूटिलिटेरियनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमाइज कर रहे हैं आप अपने बेनिफिट्स या अपने आउटकम्स को, तो उसके प्रोज यानी उसके बेनिफिट्स तो ये हैं कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन उसके कॉन्स ये हैं कि इसमें आप इंडिविजुअल राइट्स और माइनॉरिटीज के राइट्स स्पेशली इनको इग्नोर कर जाते हैं। जो राइट्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग है उसमें आप इंडिविजुअल्स को हार्म से बचा रहे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसी वर्क एनवायरनमेंट बना लें जो लीगली बहुत ज़्यादा बर्डन हो, जिसमें कि छोटी छोटी सी बात पे भी एक वो लिटिगेशन में चले जाएं। जस्टिस क्राइटेरिया को अडॉप्ट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग, इसके प्रोज यानी फायदे ये हैं कि आप अपने तमाम वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली द वीकर्स। लेकिन इसकी एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि लोग जो हैं वो थोड़े प्राउड ही हो सकते हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाती। क्रिएटिविटी का मेंशन इस चैप्टर में इसलिए किया गया है कि क्रिएटिविटी का डिसीजन मेकिंग के साथ एक काफी स्ट्रांग रिलेशनशिप है। जब भी रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी होती है या बाउंडेड रैशनल डिसीजन मेकिंग भी करनी होती है, उसमें नॉवेल एंड यूजफुल आइडियाज चाहिए होते हैं। वो लोग जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उनको कुछ ऐसे आइडियाज जो पहले यूज नहीं हुए हुए,
या जो बेस्ट होंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे किसी प्रॉब्लम के हिसाब से, वो आइडियाज कौन लेके आ सकता है जो ज्यादा क्रिएटिव लोग होंगे, और किन लोगों में क्रिएटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है? वो लोग जो इस पर्सनैलिटी टाइप ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई होती है, ये हम पर्सनैलिटी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या होती है इस सब पर्सनैलिटी टाइप। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, उनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्युटी ज़्यादा होती है, उनकी लो नीड होती है किसी स्ट्रक्चर के अंदर काम करने के लिए, और जो अपने आप को फ्रस्ट्रेशन के सूरत में एक मकाम पे कायम रखते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हैं। ये बहुत सारी पर्सनैलिटी टाइप्स हम पर्सनैलिटी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तब आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जब हमें पता चल गया कि क्रिएटिविटी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों की क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं? उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो थ्री कंपोनेंट मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी ने हमें प्रोवाइड किया है। ये थ्री कंपोनेंट मॉडल क्या है? इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं और इनके मिक्सचर से इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। क्रिएटिविटी होता क्या है, अगर पिछली स्लाइड में आपको एक बार दोबारा दिखा दूं, इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉवेल एंड यूजफुल आइडियाज, दैट इज क्रिएटिविटी। अच्छा, अब ये क्रिएटिविटी किस तरीके से इंक्रीज होती है? सबसे पहले इसमें अगर हम डिस्कस करें तो एक्सपर्टीज, ये एक फाउंडेशन होती है तमाम क्रिएटिव कामों के लिए। आप जिस चीज के बारे में डिसीजन लेने जा रहे हैं, उसके बारे में आपकी एबिलिटीज, आपकी नॉलेज, आपकी प्रोफिशिएंसीज कितनी ज्यादा है, यानी आप उसके बारे में कितने एक्सपर्ट हैं, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल। सेकंड इज क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। ये कंपोनेंट पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक का कंपोनेंट है, जो ये बताता है कि आप के अंदर क्रिएटिव आइडियाज सोचने की कैपेसिटी कितनी है, आप क्या सिमिलर सिचुएशन से, क्या मिलते जुलते सिचुएशन से कंक्लूजन्स ड्रॉ करके उनको जो सिचुएशन का आपको सामना है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे ये भी देखा गया है कि क्रिएटिविटी का मूड के साथ भी ताल्लुक है, क्रिएटिविटी का आपके जो जिस तरीके से आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं उनके साथ भी गहरा ताल्लुक है। जो फाइनल कंपोनेंट है वो है इंट्रिंसिक टास्क मोटिवेशन, ये आपकी डिजायर से रिलेटेड है। मोटिवेशन के चैप्टर में हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम के बारे में डिसीजन ले रहे हैं कि जिस काम को आप करना चाहते हैं दिल से, आपके अंदर एक ख्वाहिश है उस काम को अच्छे तरीके से करने की, तो फिर आप ज्यादा क्रिएटिव होंगे। सो एक्सपर्टीज, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, ये पर्सनैलिटी से इसका ताल्लुक है, और इंट्रिंसिक टास्क मोटिवेशन यानी योर डिजायर टू डू द जॉब बिकॉज ऑफ हिस करेक्टरिस्टिक। आपको वो जॉब पसंद है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो यू लाइक दैट जॉब, तो आपकी उसके इंट्रिंसिक टास्क मोटिवेशन होगी। ये तीनों चीजें मिला के क्रिएटिव पोटेंशियल या क्रिएटिविटी को इंक्रीज करती हैं। आइए देखते हैं कि क्या ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं। ये ग्लोबल का वर्ड है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूशंस, यानी जो परसेप्शंस हम दूसरों के बारे में जजमेंट्स कायम करते हैं, वो कल्चरली डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले कोट की कि कोरिया में रिसर्च हुई तो पता चला कि मैनेजर्स इंटरनल कॉजेज को अपने फेलियर्स का जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि बाकी बहुत सारे मुल्कों में ये ज्यादा ट्रेंड है कि एक्सटर्नल कॉजेस को फेलियर का अपने जिम्मेदार ठहराया जाए और इंटरनल कॉजेस को सक्सेस का जिम्मेदार ठहराया जाए। इसी तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड परसेप्शंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिर डिसीजन मेकिंग, मैनेजर्स के लिए ये समझना भी जरूरी है कि डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट एरियाज में क्या
कल्चरल डिसीजन मेकिंग में डिफरेंसेस हैं? जैसे ये देखा गया कि इंडोनेशिया में डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसीजर था वो ऑस्ट्रेलियन से डिफरेंट है। किसी जगह पे लॉजिक और रैशनैलिटी ज़्यादा यूज होती है, किसी जगह पे इंट्यूशन को ज़्यादा अमल दखल है, किसी जगह पे ग्रुप डिसीजन मेकिंग ज़्यादा होती है, किसी जगह पे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा एम्फेसिस है। तो ये जितना भी बीइंग अ मैनेजर आपका एक्सपोजर होगा, आपको कहीं पे असाइनमेंट मिलती है, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप ये समझें कि जिस आप न्यू कंट्री में जा रहे हैं या न्यू कल्चर में जा रहे हैं वहाँ पे कौन सी डिसीजन मेकिंग का अप्रोच जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल है। थर्ड, एथिक्स हमने डिस्कस किया, यूटिलिटेरियनिज्म हमने कहा जी, जिसमें मैक्सिमम जो है आपको आउटपुट मिले। फिर हमने राइट्स उसमें डिस्कस किए कि जिसमें लोगों के राइट्स का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, और फिर एक फेयरनेस और इक्विटी का ताकि ज़्यादा जो एक फेयर डिसीजंस मेक किए जाए, एथिकल पर्सपेक्टिव। अब इसमें ये बात भी सोचें कि एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है ना वो ग्लोबल नहीं है। जिस तरह आपको पता है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं लॉ से, कि जो कैपिटल पनिशमेंट है या फांसी की सजा है वो बहुत सारे मुल्क उसको बुरा समझते हैं, जबकि इट इज़ एन इस्लामिक पनिशमेंट। तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो उसको प्रिफर करते हैं, आल दो इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से उनको बहुत सारे मुल्कों को उसको करना पड़ गया, ख़त्म करना पड़ गया। लेकिन ये कि ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। कई मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पे करप्शन या रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, वो उनके एक एथिकल, वो एथिकली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि एशियन कंट्रीज टेंड नॉट टू सी एथिकल इश्यूज इन ब्लैक एंड वाइट बट एज शेड्स ऑफ ग्रे। यानी कि आप डिफरेंट नाम देते हैं, ब्राइब नहीं है जी, गिफ्ट है, नजराना है, एक ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें, तो वो बड़े ब्लैक एंड वाइट नहीं होते एथिकल इश्यूज, वो थोड़े से जिसे कहते हैं कि उनके अंदर एक इबहाम होता है, कंफ्यूजन होती है उसके अंदर। सो ग्लोबल कंपनीज नीड टू स्टैंड सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर देयर मैनेजर्स। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि आपकी कंपनी ग्लोबली काम कर रही है, उसके डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांचेस हैं, तो उसको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड उसमें रखना पड़ता है। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? परसेप्शन, एट्रीब्यूशन थ्योरी हमने स्टडी की कि जिस तरह लोग दूसरों को जज करते हैं इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज में, किस तरीके से डिस्टिंक्टिवनेस, कॉन्सेंसिस या कंसिस्टेंसी जो है वो डिटरमिन करती है कि इंटरनल कॉज की वजह से ये बिहेवियर हुआ या एक्सटर्नल कॉज की वजह से। व्हाट इज परसेप्शन? पीपल एक्ट बेस्ड ऑन हाउ दे व्यू देयर वर्ल्ड। व्हाट एग्जिस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट वी बिलीव अबाउट दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और हाउ वी परसीव अबाउट दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। So managers need to manage their perception and perception of their employees. Individual decision making में हमने क्या सीखा कि mostly practically bounded rationality use होती है, pure rational decision making is virtually impossible. अगर वो satisfies कर देते हैं तो it's okay. You can combine the traditional method with intuition and creativity for better decision. आप बेशक softwares use करें, बेशक आप सिक्स स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग को यूज़ करें, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस और इंट्यूशन और अपनी क्रिएटिव आइडियाज़, नॉवल आइडियाज़ को साथ शामिल करें तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सकती है। यू नीड टू एनालाइज द सिचुएशन एंड एडजस्ट टू कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्राइटेरियाज, एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एंड मिनिमाइज द बायसेस। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द परसेप्शन चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू कैन गो थ्रू द स्लाइड्स एज वेल एज द बुक text, so you will be able to better understand. Thank you.